नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यह वीडियो खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं, या फिर आप अपने गांव या शहर में किसका किसका राशन कार्ड बना है यह भी जान पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने राशन कार्ड का नंबर जान पाएंगे और साथ ही साथ यह भी पता लगा पाएंगे कि राशन कार्ड किसके नाम पर बना है और कितने सदस्यों का नाम राशन कार्ड में दर्ज किया गया है। ऐसी ही तमाम राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी पता कैसे करें, जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। आप इसके अलावा कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको गूगल में सर्च करना होगा यूपी राशन कार्ड। देखिए, हमने लिख दिया है यूपी राशन कार्ड, लिख करके हमने सर्च किया है तो सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन आ गया, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग। यहाँ पे लिंक दी हुई है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है fcs.up.nic.in। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये यूपी राशन का जो भी है ऑफिशियल साइट है, इसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके का आपको साइट दिखेगा, तो आप नीचे चले आइएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा NFSA की पात्रता सूची, ये ब्लू कलर आप देख सकते हैं, आसमानी कलर का, ये देखिए अभी पीला हो गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने क्लिक किया, कुछ इस तरीके का नया पेज ओपन होकर के हमारे सामने चला आया है, जहाँ पे यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। तो इसमें मैं एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, वाराणसी, क्योंकि मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है, तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके का ओपन होगा पेज, जिस पे आपको नगरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने ग्रामीण क्षेत्र या नगरी क्षेत्र को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, काशी विद्यापीठ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो ब्लॉक हैं उसमें जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उनके भी नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक ग्राम भी सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जूम करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे दुकानदार का नाम बताया जा रहा है, तो जो आपके कोटेदार होंगे, जहाँ पे आपका राशन मिलता होगा, उनका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर एक से अधिक हैं, तो अगर आपका ग्राम बड़ा है, एक से अधिक कोटेदार हैं, तो उनके भी नाम यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो आपके कोटेदार के नाम के सामने यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो ब्लू कलर में राशन कार्ड के नीचे में नंबर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों पात्र, गृहिणी और अंत्योदय दो ऑप्शन है, तो बारी बारी करके आप दोनों ही लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, किसी में भी आपका नाम हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए ब्लू कलर में लिखे हुए नंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने क्लिक किया दोस्तों, तो ये एक बड़ी सी लिस्ट चली आई है, जिसमें काफ़ी सारे नाम, नंबर, कई सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इसमें आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, नंबर वन पर दिया हुआ है डिजिटल राशन कार्ड संख्या, मतलब ये आपके राशन कार्ड का नंबर हो गया। और यहाँ पे धारक का नाम दिया हुआ है, मतलब जिनके नाम पे ये कार्ड बना हुआ है उनका नाम दिया है, उनके पिता पति का नाम दिया हुआ है आगे में, उसके बाद उनके माता का नाम, कौन सी जाति में आते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उनका पता दिया हुआ है, और कुल यूनिट, मतलब कार्ड में कितने लोगों का नाम दर्ज है, कितने सदस्य हैं उनका भी यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, उन सदस्यों की संख्या भी दी हुई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया दोस्तों कि आपका जो राशन कार्ड है पात्रता सूची में कब शामिल किया गया है, वो यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना नाम जो है इस लिस्ट में सर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने गांव में जो भी लोग रहते हैं उनका पता लगा सकते हैं कि किसका राशन कार्ड बना है और किसका छूट गया है। तो यहाँ से आप अपने लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपने सारे लोगों की जानकारी निकाल सकते हैं। यह सब जानकारी के बाद भी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहां पे जो राशन कार्ड का नंबर दिया हुआ है, ये ब्लू कलर में नंबर लिखे हुए हैं और इसके नीचे एक लाइनिंग भी है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पे आपके राशन कार्ड का जो भी डिटेल्स होगा एक पेज में चले आएगा, मतलब एक तरीके से राशन कार्ड ही आपका जो है कि यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी यहाँ पर साइट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था, तो यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल्स जो है कि शो हो रही थी। तो इस तरीके से अगर साइट ठीक हो जाती है, तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने राशन कार्ड को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ, कितना आपको राशन मिलना है, ये सारी डिटेल्स उसमें दी हुई होती हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों।